खरगोन जिले के किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस बात का खुलासा किया कि उन्हें आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था द्वारा अमानक स्तर का बीज दिया गया है, जिससे उनकी फसल चौपट हो गई। वहीं ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मुआवजा राशि की मांग भी की है। दरअसल मामला महेश्वर तहसील के ग्राम चोली का है, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी द्वारा किसानों को बोने के लिए सोयाबीन का बीज वितरित किया गया था, जो अमानक स्तर का निकला। यह बात का पता तब चला जब क्षेत्र के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आप बीती सुनाई। इस दौरान किसानों ने बताया कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते किसान का सोयाबीन बीज बिना उगे ही जमीन में सड़ गया। वहीं मीडिया से रूबरू क्षेत्र के किसानों ने प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की मांग करते हुए सहकारी संस्था द्वारा दिए गए बीज को अमानक स्तर का बताया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये हमने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित चोली से बीज लिया था, जो बीज का अंकुरण हमारे ज़मीन में बोनी करने के बाद नहीं हुआ, तो उसको लेकर हमने स्थानीय प्रशासन को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 22 लाख का बीज हमारा अंकुरण पूरे ग्राम के किसानों का नहीं हुआ है और भारी नुकसान, ये बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान है, जिसको लेकर हमने कई बार पूर्व में भी आवेदन निवेदन कर दिए हैं। अगर आज भी अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम 5 दिवस के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कुछ निरीक्षण करने भी आए थे अधिकारी, क्या हुआ? निरीक्षण दल आया था, कृषि विभाग से भी आया था, निरीक्षण दल कृषि विभाग से आया था, वैज्ञानिक भी आए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी को निलंबन की कार्रवाई की है। वो सब कार्रवाइयाँ तो देश में चलती रहती हैं, लेकिन हमें किसानों को उससे क्या मतलब कि बीज का जो जर्मिनेशन बीज जो बेग गए हैं, आज तो किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बीज के बेग नए फिर से लाना पड़ रहे हैं। किसी किसान ने मतलब कि जेवर गिरवी रख के कैसी कैसी परिस्थितियों में मतलब कि बीज वापस से बोनी की है, ये उसकी वही जानता है। क्या लगता है किसकी लापरवाही लगती है? हम देखें तो बीज समिति के माध्यम से बटा, मतलब कहने के जो मानक होगा तभी तो समिति से बटा, सरकारी संस्था है वहाँ पे, इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, विभाग से लेकर कंपनी तक। क्या मांग की आपने, क्या लगता है? हमने ये मांग की है कि हमें बीज के जो पैसे समिति से मतलब कटते हैं, जो बीज लगता है, एक तो उसका बीज का पैसा माफ होना चाहिए, दूसरा जो हमारा अन्य भी 4-4 बार ट्रैक्टरों से मतलब बोनी हुई है, डबल बीज भी लगे हैं हमें, तो ये हमको उचित उसकी मुआवजा राशि देना चाहिए। क्या नाम आपका? गौरव सिंह ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।